नमस्कार, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। मैं ऋषि प्रभाकर जी, मैं जानना चाहूँगा कि 2019 में जो चुनाव होने वाले हैं उनको लेकर आपका क्या कहना है? जी क्या बोलेंगे? हमारा कहना यही है कि अब पिछली 5 साल सरकार को हमने बीजेपी को देख लिया, अपने हमारा चेंजिंग होनी चाहिए, क्योंकि 5 साल में सेम चीज़ चली हुई है, बल्कि बेरोजगारी बढ़ गई है, काम धंधे है नहीं, हमारा बिजनेस ग्रोथ नहीं कर रहा है, हर तरफ काम की कमी है, बेरोजगार हो रहे हैं युवा। आगे नई सरकार आएगी तो कुछ हमारे को जी अच्छे दिन आए हैं क्या? अच्छे दिन तो नहीं, बुरे दिन चल रहे हैं अभी तो, ना किसी के पास कुछ आया है, यही है बल्कि अब जितना पहले काम के हमारे बिजनेस चलता था, अब तो बिजनेस बिल्कुल भी नहीं है, चारों तरफ खाली बने जी। एक तरफ युवराज है राहुल गांधी और दूसरे मोदी है, किसको चाहोगे आप? राहुल गांधी जी। किस लिए? क्योंकि अब उन्हीं के ऊपर उम्मीद है कि हमारा कुछ उधार होगा जी। मेरे साथ यहाँ पर कुछ और भी, मैं उनसे बचाने की कोशिश करूंगा जी। क्या चाहोगे जी? सर अब देखिए, जिस तरह से बीजेपी की सरकार है, वादे तो उन्होंने बहुत अच्छे किए, लेकिन वादों पर सरकार खरी नहीं उतर पा रही है। जैसे जिस प्रकार मैं युवा हूँ, युवा के लिए सबसे मेन थिंग होती है रोजगार। रोजगार इन्होंने कहा कि 5 करोड़ रोजगार पैदा करेंगे, 10 करोड़, उसमें से कुछ भी नहीं रोजगार हुआ, बल्कि जो रोजगार में थे वो भी अनएम्प्लॉयड हो चुके हैं। मैंने कई टेस्ट भरे हैं, अपने एक्सपीरियंस के हिसाब से मैं कहना चाह रहा हूँ, मैंने बहुत टेस्ट भरे हैं, लेकिन जैसे एक पोस्ट के लिए लाखों आवेदन आ रहे हैं, उसमें कहाँ स्टैंड कर पाएगा स्टैंड करने के लिए? इस प्रकार से कह रहे हैं, जैसे हमने 10 साल में कांग्रेस की भी देखा, UPA 1 सही था, UPA 2 में घोटालेबाजी हुई, अब बीजेपी की सरकार है, इसमें भी काफी आ रहे हैं बीच में उठ के, बट लेकिन देखना पड़ेगा अब 2019 में बदलाव की जरूरत तो है जी। इनसे भी बात की है, इनका कहना है कि 2019 में बदलाव जरूर करेंगे जी। मेरे साथ यहाँ पर युवा हैं, चलो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे, 2019 में जो इलेक्शन होने वाले हैं, एक तरफ मोदी हैं, दूसरे तरफ राहुल गांधी, उनके क्या बोलना चाहेंगे? सर राहुल गांधी के बारे में तो सोशल मीडिया पे अच्छे रिव्यूज नहीं है, तो अच्छा होगा कि अगर मोदी जी आगे का कारोबार संभालें जी। जो नोटबंदी हुई उस पर क्या कहना है आपका? सर देखा जाए तो कुछ अच्छा भी हुआ है, लेकिन आम जनता को थोड़ा सा दिक्कत सहनी पड़ी है, लेकिन मेरे हिसाब से नोटबंदी हुई है वो ठीक हुई। जो GST है, GST क्या करना चाहेंगे आप? GST भी ठीक है सर, मतलब एक ही जैसे सेल टैक्स का तकरीबन सिमिलर ही हो गया, सारा सेम ही हो गया है, देखा जाए तो ठीक है, कुछ ना कुछ चेंज तो नया होना चाहिए, चेंज नहीं होगा तो फिर लाइफ तो हम और पीछे चलते जाएंगे जी। हमें आगे बढ़ना ठीक है, ठीक है। चुनावों को लेकर क्या कहना है आपका? चुनावों को लेकर एक बार फिर से मोदी सरकार, मेरा ये मानना है कि 2019 में पूरा देश भगवानधारी होगा और पूरे भारत में बीजेपी की सरकार बनेगी पूर्ण बहुमत से। और मेरा क्या, हमारे जो मित्र सज्जन जितने भी हमारे कैटेगरी के लोग हैं, सब यही चाहते हैं कि नेक्स्ट समय में भी मोदी जी को मौका दिया जाए, ताकि हमारा देश जो है वो सुचारू रूप से तरक्की कर सके जी। आपने सुना कि इन्होंने कहा कि अगली बार फिर हम मोदी को ही सपोर्ट करेंगे, तो हमारा समर्थन तो मोदी जी से है पहले से, हम तो मोदी जी को लाइक करते हैं। क्योंकि लाइक करते हैं, क्या कारण? देश में जो किया है कोई शायद और नहीं कर सकता, देश के लिए जो उन्होंने किया है कोई और नहीं कर सकता, इसका कारण है, बहुत बड़े कारण है नोटबंदी। ये ख्वाबों में आती थी राजनेताओं के, ना सोचते थे, लेकिन स्टेप नहीं ले पाता था, उन्होंने लिया। और सबसे बड़ी बात यह है कि उन्होंने बाहर की कंट्रियों में जाके जो भारत की छवि को सुधारा है वो बहुत काबिल तरीका, इसलिए मोदी जी का समर्थन दिल और जान से जी। इनका कहना है कि विश्व में भी उन्होंने अपनी छाप छोड़ी अपने देश के लिए जी। और GST में क्या कहना है? देखो GST तो कोई भी गवर्नमेंट आती वो लगाती, ये कोई ज़रूरी नहीं है कि BJP आई उन्होंने लगाना था, ऐसा नहीं था, उससे पहले भी प्रयास किए गए थे, कांग्रेस के टाइम में भी प्रयास किए गए थे, लेकिन ओपोजिशन हमेशा विरोध करता है कि GST नहीं लगना चाहिए। अब देखो एक मकान को बनाने के लिए पहले कंस्ट्रक्शन करनी पड़ती है, फिर कंस्ट्रक्शन होती है, अब कंस्ट्रक्शन हो चुकी है, अब कंस्ट्रक्शन होनी बाकी है, अब देश देखेगा कि क्या हो रहा है जी। इनका कहना है कि मोदी जी को ही हम सपोर्ट करेंगे। मोदी के द्वारा फैसला लिया गया, स्ट्राइक की गई, उसका बड़ा भारी हमारे देश के ऊपर काफ़ी इसका प्रोत्साहन, लोगों में खुशी का माहौल है, क्योंकि दूसरे देश के अंदर घुस के वहाँ के सैनिकों को मारा है, ये एक बहुत अच्छी कार्य है, इसके लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। GST को लेकर क्या कहना है आपका? GST का फैसला भी सरकार ने ठीक अपने हित में अच्छा लिया है, लेकिन इसमें कुछ कमियां रह गई हैं जिनको थोड़ा दूर किया जा रहा है, बाकी मैं
सोशल वर्कर होने के साथ साथ अपना ठेकेदार भी हूँ। मेरा अनुरोध है प्रधानमंत्री मोदी से भी कि इसको मैं जितना भी जीएसटी ठेकेदारों से के ऊपर लगाया गया है इसको सरकार भरपाई करे, क्योंकि ठेकेदार कंपटीशन में काम लेते हैं और जीएसटी की वजह से अपने रोजी रोटी के लाले पड़ गए हैं कई ठेकेदारों को। 2019 में दोबारा मोदी आ जाइए और जो 4-5 साल में काम हो रहा बहुत बढ़िया हो रहा है, अच्छा काम है और दोबारा मोदी को जाते हैं। जी, इनका कहना है कि दोबारा मोदी को ही चांस दिया जाएगा। मेरे साथ यहाँ पर और भी हैं लोग, चलो उनसे पूछने की कोशिश करेंगे। जी, क्या बोलना चाहते हैं जी बाबा जी, क्या बोलना चाहेंगे? मैं बोलना चाहता हूँ कि मोदी को नहीं जाना चाहिए, 2019। जी, ये भी मोदी के लिए ही कह रहे हैं जी। या कुछ युवा है मेरे साथ तो युवा से पूछने की कोशिश करूँ, क्या कहेंगे जी आप? भाई देखो, ऐसा है कि आने वाले टाइम में मोदी ही चाहिए, क्योंकि हम तो बाहर जाने वाले बंदे हैं, बाहरली कंट्री में पहचान हुई इंडियन आदमी की इस मोदी की वजह से, कांग्रेस की वजह से। ये जो सर्जिकल स्ट्राइक की थी उसके लिए क्या कहना है आपको? नहीं, वो तो सही बात है, लेकिन जो हम जो बोल रहे हैं ना, क्योंकि आने वाले टाइम में मोदी ही चाहिए। जी, इनका कहना है कि आने वाले समय है मोदी। सर, आज के इसमें अगर हम बात करें दोनों गवर्नमेंट की, चाहे वो पहले मनमोहन सिंह रहे हों कांग्रेस के टाइम में, अब मोदी जी आए हैं, तो आज हम देख रहे हैं दोनों सरकार को जब हम कंपेरिजन करते हैं तो हम देख रहे हैं कि आज के टाइम में बैंकिंग सेक्टर हो गया और भ्रष्टाचार जो कालेधन के जो उनका मुद्दा था इलेक्शन में इन्होंने बिल्कुल जोर शोर से उठाया था, और आज के टाइम में हम देखते तो कालेधन के ऊपर कुछ भी नहीं, जो भी इनका सारा सिस्टम है वो सारा फेल हो गया। नोटबंदी से लोगों को आम परेशानी हुई, बैंकों में अगर जाकर आज हम देखें तो लोग बहुत परेशान हैं, जितने भी हमारे देश के जो भी। बाकी इसके अलावा अगर हम बात करें रोजगार की, बात करते हैं तो रोजगार में हम देख रहे हैं कि कितने पढ़े लिखे युवा हैं, आज युवाओं के पास कोई रोजगार नहीं है। अगर हम अपनी बात भी करें, हम भी पढ़े लिखे हैं, मेरे बहुत से और भी हमारे जितने भी हमारे गांव से या शहरों में जितने भी लोग बच्चे पढ़े लिखे हैं उनका आज के टाइम में एम्प्लॉयमेंट के नाम पर जीरो है। जी, 4 साल का कार्यकाल कैसा रहा? अगर आज हम 4 साल का कार्यकाल देखें तो सबके सामने है कि देश में कोई भी इनकी स्कीम, चाहे वो कोई भी इनकी स्कीम डाउन ले गई, अब तक कोई सक्सेस नहीं हुई। जीएसटी पर क्या कहना, जीएसटी पर क्या? जीएसटी के ऊपर, जीएसटी कांग्रेस के टाइम में जीएसटी का जो रेट था वो 18% था, अब ये 28% का जो स्लैब है इसमें बहुत फर्क है। और हम उस चीज़ को अगर प्रैक्टिकली देखें तो बहुत बहुत। तो क्या बदलाव चाहते हो आप? बदलाव चाहोगे? बदलाव जरूरी है। कांग्रेस के टाइम की जगह स्कीमें मनरेगा होगी और इन्होंने और जितनी भी स्कीमें सारी सक्सेस स्कीमें हैं। जी, इनका कहना है कि बदलाव इस बार जरूर होगा।